हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनम, स्वागत है आपका मिस इंडिया किचन में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल इंस्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से एकदम देसी स्टाइल में बना हुआ भरता। बस आप इसके ऊपर जरूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग की रेसिपी है। पूरी पराठे या बाटी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। एक बार तो बनाना इसको बनता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो करते हैं फ्रेंड्स सुपर सुपर टेस्टी तड़के वाला भरता बनाना स्टार्ट। आज मैं बैगन का भरता हरे वाले बैगन से बनाने वाली हूँ, क्योंकि काले वाले बैगन का भरता तो आपने बहुत खाया होगा एक बार। ये वाला हरे वाले बैगन का भरता बनाकर देखिए, बहुत ही मस्त लगता है। तो मैंने इसको बढ़िया से साफ़ कर लिया था पहले से। इसमें लगाएंगे एक कट, दोनों में लगा दूंगी मैं। ताजे बैगन थे तो मैंने सोचा आज भरता क्यों ना बना लिया जाए। देखिए बढ़िया से इसमें लग गया कट। इस पे लगाएंगे हम तेल, और इस तरह से लहसुन की कलियां इनके जो कट लगाए हैं ना, है ना हमने ये जो कट लगाए हैं ना हमने, इनमें इस तरह से लगा देंगे। अच्छे से लगाना ताकि ये निकले ना बाद में भूनते वक्त। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसमें करेंगे। तो इन दोनों में मैंने लगा दिया है बढ़िया से, देखिए। अभी हम टमाटर और प्याज को करेंगे अलग और इनको बढ़िया से भून लेंगे। तो गैस को करेंगे चालू और इस पे बैगन रख देंगे। इसको अच्छे से भूनने देंगे हम। बीच बीच में हमें इसको ऐसे पलटते जाना है ताकि चारों तरफ अच्छे से सिक जाए। आपके पास वो स्टैंड टाइप का रहता है ना, अगर वो हो तो आप उस पर ही सेंके। मैं ऐसे ही सेक रही हूँ इसको, बहुत मस्त लगता है। आप इस बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही गजब लगता है ये भरता हरे वाले बैगन का। तो इस तरह से इसको चारों तरफ पलट पलट कर सेक लेंगे बढ़िया से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इनको बढ़िया से भून लिया है। ये बहुत गर्म है, देखिए भाप निकल रही है। और हम इनके निकालेंगे छिलके। साथ में मैंने टमाटर और प्याज को भी भून लिया है थोड़ा। अगर आप इसको चूल्हे पे भूनेंगे ना तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा भरता का। तो ये देखिए इसके लहसुन है जो निकाल के रख लेंगे। अभी तड़के में डालेंगे हम इनको और ये एकदम छिलके तैयार है। इस तरह में सारे, तो जैसे कि बैगन के और टमाटर प्याज के छिलके उतार लिए हैं, तो ये मैंने लिए दो हरी मिर्च, दो लाल मिर्च और ये भुने हुए वही वाले लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा और ये धनिया हरा वाला। तो इसको भी रखते हैं साइड में और हम कट करेंगे। पहले ये मिर्ची, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो दो मिर्ची ले लीजिए। और अब हम कट करेंगे ये भुनी हुई प्याज।
इस तरह से बारीक कर लेंगे कट इसको। तो प्याज को भी कर लिया कट, अब हम लगाएंगे तड़का। तो देखिए गैस पर रख दिए कढ़ाई और डाल दिया है तेल। हम डालेंगे थोड़ी सी मेथी और हम तड़का वाला भरता बना रहे हैं तो मेथी तो इसमें डलेगी ही, और ये थोड़े से जीरे। इसके साथ जाएगा कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन को भुनेंगे हम। आप तड़के वाला भरता बना रहे हैं तो इसमें मेथी ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर मेथी डालना नहीं है तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब डालेंगे ये हमारा प्याज कटा हुआ, इसको भी हम हल्का सा भुनेंगे। तो जब तक ये हमारा भुन रहा है प्याज अदरक लहसुन मिर्ची, तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। तो देखिए ये हल्के हल्के से भुन गए हैं और टमाटर भी काट लिए हैं मैंने, वो भुने वाले इसमें डाल लेते हैं। तो अब डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और कर देंगे बढ़िया से मिक्स। टमाटर हमें भुने हुए हैं वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको थोड़ा सा गल देंगे हम और डाल देंगे हरा धनिया। और इसको भी कर देंगे मिक्स। अब 2-3 मिनट इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि ये धनिए का हरा हरा कलर निकल, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेंगे ना ही सूखा वाला धनिया डालेंगे। हम इसको हरी मिर्च और हरे धनिए में ही बनाने वाले हैं, तो इसको 2-3 मिनट छोड़ देंगे इस तरह से पकने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले बढ़िया से पक कर हैं तैयार। तेल छोड़ दिया है इसने और अब हम डालेंगे इसमें हमारे बैंगन, ये जो मैंने इसको काट लिया था बारीक बारीक इस तरह से, और कर देंगे बढ़िया से इसको मिक्स। दो तीन मिनट इसको भी अच्छे से थोड़ा इसमें मिक्स होने देंगे ताकि इसमें सारे मसाले हैं जो बैंगन में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। और अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप सिलबट्टे पे पीस के भी तड़का लगा सकते हैं, उससे ही बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। क्योंकि भरता और चटनी तो जितना देसी तरीके से बना उसमें उतना ही टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो इसको 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको करेंगे गर्मा गर्म हरा धनिया डाल के सर्व। तो करते हैं बढ़िया गर्मा गर्म इसको सर्व। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसके बाद जरूर ट्राई करें। बहुत ही अमेजिंग की रेसिपी है, पूरी पराठे या किसी के साथ भी आप खाएं इसको, बहुत ही मस्त लगता है। आप इसको खासकर पार्टी के साथ खाइए। और ये हमारा गर्मा गर्म स्वादिष्ट देसी स्टाइल से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार का भरता बनकर है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग की रेसिपी है। तो बनाएं खाएं, सबको खिलाएं। धन्यवाद।